हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे वूड पर रिलीज हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है इलीगल। इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेकर 26 मिनट के बीच में। खैर इस सीरीज की बात करो तो इसमें हमें नजर आते हैं पीयूष मिश्रा, सत्यदीप मिश्रा, नेहा शर्मा, अक्षय ओबरा, दीपक तिजोरी और कुबरा सेठ। इसके अलावा आपको और भी कैरेक्टर्स इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे। खैर इस सीरीज की कहानी शुरू होती है बैंगलोर से, जहां पर हमें नजर आती है नेहा शर्मा, जिसका इस सीरीज में नाम है निहारिका सिंह, जो कि पेशे से एक लॉयर है। यहां पर हमें एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है जिससे मेकर से बताना चाहते कि देखिए ईमानदार लॉयर है। खैर इनकी यही खूबी देख लेते जनार्दन जेटली, यानी कि पीयूष मिश्रा, जो कि पेशे से एक बड़े लॉयर होते हैं और उनका दिल्ली में एक लॉ फर्म भी होता है। तो वो अपने फर्म में हायर करते हैं निहारिका सिंह को। तो उनका पहला केस सौंपते, वो केस ये होता है कि मेहर सलाम नाम की लेडी, यानी कि कुबरा सेठ, जो कि अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स को मार चुकी और इसी वजह से वो 15 साल से जेल में भी है और गवर्नमेंट ने उसको फांसी की सजा दी है। तो पहला केस उसको ये सौंपते हैं। कि अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस सीरीज में आपको ये केस देखने को मिलेगा तो आप लोग टोटली रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पर एक और केस देखने को मिलता है। वो केस ये है कि दीपक तिजोरी, जो कि बहुत ही मशहूर बिल्डर है, उनके बेटे के ऊपर रेप का इल्जाम है। तो ये दोनों ही केस निहारिका सिंह को सौंपते हैं। तो पूरी सीरीज में आपको यही देखना कि निहारिका सिंह इन दोनों केसेस को किस तरह से हैंडल करती है। अब मैं आपको बता दूं कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसी लगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के जो राइटर है उसने एक बहुत ही सस्ता नशा करके इस सीरीज को लिखा है, क्योंकि इस सीरीज की जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा वीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि कोर्ट रूम ड्रामा आप लोग ने भी कई बार देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा हो, और कोर्ट रूम ड्रामा पर बनी सीरीज हो या मूवी हो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और यही वजह थी जो मैं इस सीरीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से रायते को फैला दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 केस तो देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स के आपको सब प्लॉट देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो हम व्यूवर्स जब इस सीरीज को देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग फोकस करें तो किस पे करें, यार हम लोग वो 2 केसेस पे फोकस करें या जितने भी सब प्लॉट है उस पर फोकस करें, क्योंकि कभी उसका सब प्लॉट, कभी उसका सब प्लॉट, तो कभी मेन केस, फिर उसके बाद कभी उसका सब प्लॉट, कभी उसका सब प्लॉट, फिर मेन केस। तो यार कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाती है। उसके अलावा अगर एक्टिंग की बात करूं तो यहाँ पर 2 ही लोगों की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो कुबरा सेठ, जिसका काम बहुत ही शानदार है, ऑल्दो बिचारी के पास यहाँ पर इतनी स्क्रीन नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी उसने जितना तो काम था उसने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। उसके अलावा पीयूष मिश्रा सर की बात करूं तो उनका काम भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, वो तो एक्टिंग के उस्ताद है, तो उन्होंने भी इस सीरीज में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। लेकिन उसके अलावा नेहा शर्मा की बात करूं तो उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसने वो मिस कर दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ जगह पे वो बहुत ही अच्छी लग रही, लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रही है। उसके अलावा अक्षय ओबरा और दीपक तिजोरी की बात को तो दोनों ने डल परफॉर्मेंस दिया, दोनों का काम मुझे इतना खास नहीं लगा। यहाँ पर हमें पारुल गुलाटी भी नजर आते, लेकिन उसका रोल भी कुछ इतना खास है नहीं। उसके अलावा अगर मैं सत्यदीप मिश्रा की बात करूं तो हाँ, उसका रोल मुझे ठीक ठाक लगा, उसने भी ओके एक्टिंग की है। और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो इस सीरीज का डायरेक्शन बहुत वीक है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेकर्स ने इस सीरीज को बनाया क्यों, और अगर बनाया तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन रखी क्यों, और ऐसा लगता है कि इस सीरीज को बहुत ही जल्दबाजी में बना दी गया और कुछ नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीरीज अभी तक के कंप्लीट हुई नहीं है, यानी कि इसका सीजन 2 डेफिनेटली हमको देखने मिलेगा। तो मैं होप करता हूं कि इस बार सीजन 2 की जो राइटिंग होगी वो एटलीस्ट इससे बेटर होगी, ताकि जो हम लोग का इंटरेस्ट हो पूरी सीरीज में बना रहे। देखिए, ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, अगर आप लोग को ये सीरीज देखना तो आप लोग जरूर देख सकते हैं। अगर आप लोग लॉकडाउन में फ्री हो, कुछ काम नहीं करो, तो इस सीरीज को जरूर देखना। लेकिन अगर आप लोग लॉकडाउन में भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो इस सीरीज को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हो। यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।